जिला श्रीनगर में कोविड की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखी गई है पॉजिटिविटी रेट में। दो हफ्ते पहले जहां पॉजिटिविटी रेट 36% के करीब भी पहुंच गया था, आज वो डिक्लाइन होकर 8.7% पर आ गया है। डेली डेथ रेट उसमें डिक्लाइन हुआ है, हॉस्पिटल एडमिशन में डिक्लाइन हुआ है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज ज्यादा हुए हैं, और उसके साथ साथ अगर हम डेली पॉजिटिव केसेस के का एनालिसिस करें तो जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनमें भी डिक्लाइन देखा गया। लेकिन इन सब के बावजूद अभी बहुत ज़्यादा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। दूसरी ये बात कि वैक्सीनेशन जोर शोरों पर चल रही है 18-44 एज ग्रुप में भी और 45 एंड अबव एज ग्रुप के लिए भी। जिला श्रीनगर अगर हम देखें टोटल जो डोजेज एडमिनिस्टर हुई हैं पूरे JNK में, जिला श्रीनगर जो है थर्ड नंबर पर आता है उस पूरी सिक्वेंस में, जहां हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेज रजिस्टर की गई हैं जम्मू और बारामूला के बाद। इसके अलावा ऑनरेबल जी साहब की हिदायत पर तमाम पंचायतों में कोविड केयर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए गए हैं। इन कोविड केयर सेंटर्स में सारी पंचायतों में 21 की 21 पंचायतों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए गए हैं, मेडिसिन रखी गई हैं, कोविड किट्स वहाँ दस्तियाब हैं और मेडिकल अमला और डिजिटल सपोर्टिंग स्टाफ वो भी डिप्लॉय कर दिया गया है। जिन लोगों को होम आइसोलेशन में दिक्कत आएगी उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्राइजिंग की फैसिलिटी भी वहाँ अवेलेबल होगी। अलावाजी ऑनरेबल एलजी साहब की हिदायत पर 5,60,00,000 की रकम पेंशन बेनिफिशरीज जो हैं 5,202 उनके बीच तकसीम की गई है। 2,19,00,000 रुपया बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच तकसीम किया गया है। मनरेगा के तहत जिन लोगों का डिपेंडेंस था मैंडेट जनरेट किए गए हैं। कोविड किट्स पॉजिटिव पेशेंट्स के अलावा पंचायती सतह पर भी दस्तियाब रखी गई हैं और जहां जहां पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वहां कोविड किट्स तकसीम की जा रही हैं। तमाम जो डेटा है हमारे पास, जो स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जहां पॉजिटिविटी रेट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है वहीं हमें और ज्यादा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने की जरूरत है। मास्क पहनना ना छोड़ें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें और सैनिटेशन का खास ख्याल रखें, और अहम बात कि वैक्सीनेशन की तरफ हर शख्स यहां वैक्सीनेट होना चाहिए और जो जो एलिजिबल प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं जिनको एलिजिबल करार दिया गया है वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। अपने नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जैब लें और जिस तरीके से हम फर्स्ट कोविड वेव से बाहर निकल कर आए थे उसी तरीके से कोविड सेकंड वेव को भी हम